पैसे बिल्कुल जीरो शुरू से। चलिए ठीक। सो सर्वप्रथम देखिए, हम अगर कोई भी चीज पढ़ने चलते हैं इंग्लिश में, तो हमारा शुरुआत होगा पार्ट ऑफ स्पीच से। तो आप सभी के द्वारा मैं जानना चाहूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। आप सभी लोग, कोई भी पर्सन आप में से, बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये टेस्ट है, ये ऐसे नॉर्मल वे में हम लोग एक डिस्कशन टाइप का कर रहे हैं। सर नाउन प्रोनाउन नहीं सर, ये आप टाइप्स बता रहे हैं। देखिए हम सभी टीचर हैं, और इसलिए हमें क्या करना होगा कि एकदम बिगनिंग से हमने कहा पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ, ओके, आर द काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। सर आप हाँ बोलिए। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बेसिक, इसीलिए मैंने बेसिक से शुरुआत किया है। सर नहीं आती हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप लोग इंग्लिश के नाम पर कुछ लोग सीरियस हो गए, मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत इजी फील करें, है ना। क्योंकि देखिए हमें बेसिक जानना चाहिए, हमें पढ़ाना हो चाहे ना पढ़ाना हो, लेकिन इतनी बेसिक आनी चाहिए। आप में से कुछ लोग को आती भी होगी, उन्हें कोऑपरेट करना है, जिनको नहीं आती उनके साथ हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल सर देखिए, आप में से कोई भी बताना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, कोऑपरेट करिए एक दूसरे को, बिल्कुल एकदम छोटी सी चीज है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं, तो सर्वप्रथम आप यहाँ ये जानने की कोशिश करिए कि पार्ट ऑफ स्पीच एक तरह से सेंटेंस का ही प्रकार है। स्पीच में होता क्या है, स्पीच में हम सेंटेंस को तो ही बोलते हैं, तो इसीलिए नाम दिया गया पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, यानी ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है सब, ठीक है, किसी सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप उन्हीं को क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, या जिन चीजों से मिलके एक सेंटेंस बनता है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। सिंपल शब्द, यानी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है, द वर्ड्स विच फॉर्म अ सेंटेंस, ओके, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ। एकदम आप सभी लोग थोड़ा सा मुस्कुराएंगे जब आप लोग को समझ में आए, क्योंकि मैं आपके चेहरे के उसको समझ के ऐसा मुझे फील होगा कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। देखिए तो पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी लोग समझ गए कि एक वाक्य है, वाक्य में ढेर सारे शब्द हैं, तो जो शब्द हैं जिनके द्वारा वाक्य बन रहा है वो क्या है, वही पार्ट ऑफ स्पीच। सिंपल सा। अब आते हैं टाइप्स पे, जैसा कि सर बता रहे थे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया सेंटेंस। तो हम अभी टाइप से न जाके पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि हम सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे तो फिर मामला हमारा क्लियर नहीं होगा। तो व्हाट इज सेंटेंस, यहाँ पे आते हैं, वाक्य क्या है, वाक्य क्या है। आप सभी लोग देखिए हिस्सा लीजिए, मैं ऐसे नहीं पढ़ाने का, मैं बिल्कुल भी ऐसे पढ़ाने का अभ्यस्त नहीं हूं कि जहां मैं केवल बात करूं। आप लोग जानते होंगे मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूंगा मेथड्स पे, टीचिंग अप्रोच। जब टीचिंग मेथड्स की बात होती है तो ढेर सारे मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड, ठीक है। तो एक लेक्चर मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि टीचर केवल बोल रहा है, टीचर अपनी बातें बता रहा है और सब लोग केवल सुन रहे हैं, साइलेंट, उनका कोई रोल नहीं होता है, उनको केवल सुनना होता है, इसी को बोलते हैं लेक्चर मेथड, ठीक है। लेकिन एक मेथड होता है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी उसमें शामिल करते हैं, ठीक है, वो बेस्ट मेथड माना जाता है। उसमें क्वेश्चन आंसर होता है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। तो बेस्ट टीचर भी वही होता है जो अपने टीचिंग के दौरान जो है स्टूडेंट्स को शामिल करता है, उन्हें मौका देता है प्रश्न पूछने का, ठीक है, और उनको हर समय बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता है, जिससे क्या हो कि हमारा जो स्टूडेंट हो हर समय एक्टिव रहे। नहीं तो हम लेक्चर देते रहेंगे वो साइलेंट मोड में चला जाएगा, फिर वो कहाँ है हमें कुछ पता नहीं है, और क्लास हमारा निकल जाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो हमने क्या बात की आपसे, सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, बताइए सर आप लोग, कोई भी हिंदी में बता सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हम आगे सेंटेंस पे, और सेंटेंस में आपने कहा शब्दों के समूह, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन सर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या आप इसे कह सकते हैं कि सेंटेंस है, क्या जितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सेंटेंस हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस हो सकते हैं कि नहीं, इस पे विचार करते हैं थोड़ा। हमने कहा है राम लड़का एक, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सार्थक शब्द निकल रहा, हाँ एक सार्थक अर्थ निकले, तो आप क्या कहेंगे, यानी एक नया सेंस इसमें आ जाएगा,
कंप्लीट सेंस। यानी क्या हो गया, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है लेकिन सेंस निकलना चाहिए, वो भी पूरा पूरा अर्थ निकले जो आप बोल रहे हो। यानी शब्दों का ऐसा समूह जहां पूरा अर्थ निकले। लेकिन एक तीसरी बात आई, अर्थ तो किसी भी समूह शब्दों का निकल सकता है। मैंने कहा कमरे के अंदर अर्थ निकल रहा है, कुर्सी के ऊपर अर्थ निकल रहा है, तो क्या ये सेंटेंस है? तब यहां एक और बात आती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले और उसमें एक वर्ब हो, क्या हो, एक क्रिया हो, ठीक है? तो क्या होना चाहिए, एक क्रिया भी होना चाहिए। जब ये तीन चीज हो जाएगा तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? तो आप कमरे के अंदर नहीं, एक पूरा भाव निकलना चाहिए कि राम कमरे के अंदर है। तो है शब्द जो है क्रिया का बोध करा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस एंड वर्ब। लेकिन एक छोटा सा और भी हमारे पास है कि कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस भी होता है, लेकिन वर्ब नहीं, तो क्या है? कमरे के अंदर, हमने कहा कुर्सी के ऊपर, ठीक है, और भी चीजें इस तरह से एक्सप्रेशन है छोटे छोटे, तो क्या होंगे उनको, हम उनके लिए दूसरा शब्द फ्रेज, क्या है फ्रेज, ये आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। फ्रेज यानी वर्ब नहीं होगा लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और जहां कंप्लीट सेंस है वहां पे आप क्या कर दीजिए, सम सेंस, क्योंकि कंप्लीट नहीं देगा। कमरे के अंदर है लेकिन किसके कमरे के अंदर है, कौन है, ये सब हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कंप्लीट सेंस में होकर क्या आ रहा है, सम सेंस। तो ये इस सिचुएशन में क्या हो गया, क्लियर है आप सभी को? कब से आप लोग पढ़ रहे हैं, कितने बजे से? क्या हो गया इसको, मैं कर दूं जी जी। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके अलावा एक तीसरा भी शब्द है इनके, इनकी तरह मिलता जुलता, जैसे हिंदी में उप आके बोलते हैं, इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉज। ये क्या है, तो ये क्लॉज क्या है, इसे उपवाक्य बोलते हैं। यानी ये बिल्कुल सारी क्वालिटीज रखेगा जो एक सेंटेंस में होता है, लेकिन कमी क्या है कि ये बड़े से सेंटेंस का पार्ट। एक मैंने लिखा कि इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं कि आई हैव अ कैब, विच आई की जगह आप यहां पे ये कर लीजिए कि दिस इज द कैब, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दिस इज द कैब विच आई बॉट यस्टरडे। मैं आप लोगों को एक बार अभी बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इंग्लिश हमको कम आती है, चाहे इंग्लिश मैं नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहूँगा कि आप फेथ रखिए, मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। आप मान के चलिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप एकदम सीख जाएंगे, क्योंकि मैं सबसे इजिएस्ट लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर ये फेथ है सर आपके लिए, अगर ये फेथ है आपके अंदर, तो एकदम अंग्रेजी सीख जाएंगे, एकदम आसान है। आज मैं जो बता रहा हूँ आप एकदम बिल्कुल, अगर अंग्रेजी आज तक नहीं पढ़ा है तो आज सीख जाएंगे। देखिए, दिस इज द कैप विच आई बॉट यस्टरडे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास दो आपको इस तरह स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जहां पे पूरा पूरा भाव निकल रहा है। दिस इज द कैप, यहाँ भी भाव निकल रहा है, और आई बॉट, ठीक है, यस्टरडे, यहाँ भी आपको भाव निकल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा सेंटेंस है जिसमें दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसको सेंटेंस में बोल के हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, यानी उपवाक्य, ठीक है, यानी एक वाक्य के अंदर वाक्य। तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, क्लॉज, ठीक है? तो आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, तो आप बता देंगे, बताइए सर, आप बताइए, आपने पूरा पढ़ लिया ना, जल्दी से बताइए सर, बिल्कुल समय में गवा दिए, बिल्कुल सर, हिंदी में बताइए क्या होगा, मिटा दूंगे,
दिस इज द पेन लिखा है, बोलिए सर, दिस इज द कैन, बोलिए सर, बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि आपसे फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है तो क्या बताएंगे आप, बताइए मैं। आप बताइए सर। एक वाक्य में दो वाक्य जैसा अर्थ निकले यदि एक बड़े वाक्य में, ये तो क्लास की बात हो रही है, एक बड़े वाक्य में हमें शब्दों का ऐसा समूह मिले, ठीक है, जहां वर्ब भी हो, जहां कंप्लीट सेंस भी निकल रहा हो, ठीक है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जितने भी उस तरह के आपको मिलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स उस समय क्या कहलाएंगे, क्लास कहलाएंगे सिंपल शब्दों में, ठीक है। लेकिन हमने आपसे पूछा कि क्या अंतर है फ्रेज और सेंटेंस में, तो क्या बताएंगे, या यही सेम चीज क्लॉज में, अंतर सिर्फ यही है, अंतर क्या है कि शब्दों का समूह यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, वहां कंप्लीट सेंस होगा लेकिन यहाँ सम सेंस कंप्लीट सेंस नहीं होगा, दूसरी चीज वहां वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, वहां सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, बस ये ध्यान देना, ठीक है। सेंटेंस के लिए देखिए, एक बात अपने दिमाग में आप एकदम सेट करके रखिए कि अगर आप सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है वो, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता भी है कई जगहों पे, कई जगहों पे नहीं भी होता है, तो इसलिए हमने इसको दे दिया नाम अदर वर्ब। अगर कोई भी दुनिया में किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप देख रहे हैं तो उसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो सेंटेंस नहीं, लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है, तो इसका अपवाद बस आप छोटा सा लिख लेंगे, इसका अपवाद आप लिख लीजिए, लिख लिया आप सभी ने, चलिए अब आप लोग यहां लिखेंगे, इसका अपवाद लिख लीजिए, लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं बल्कि लिख ही दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं, जान जाएंगे, बस लिखते जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, के अफर्मेटिव, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या लिखा आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर है यहाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आप में से शायद कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जानता हो तो बना के बताए, यदि आपको पता है तो कोई बात नहीं। जैसे आप कहते हैं मैं विद्यालय जाता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया नहीं आया, सीधे गो आ रहा है, दैट इज मेन वर्ब, ठीक है। तो बस ये दो सिचुएशन है, अगर आपने कहा वह विद्यालय गया तो ही वेंट टू स्कूल, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, लेकिन इसके अलावा कोई भी सेंटेंस बोलिए, आप कह रहे हैं मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ एम आया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, ही वाज गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, तो हर जगह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगा, केवल दो सिचुएशन ऐसा है जहां पे नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब,
ये बहुत ही मास्टर, ये काफी रिसर्च के बाद, ये मैं आपको बता दूं, मैं 2006 में यहाँ से इंटर करके गया इलाहाबाद में, और तब से मैं लगातार ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और ये सब उसकी नतीजा है कि मैं हर चीज़ का, मेरे पास अपना टेक्निक है इंग्लिश का। मैं आपको बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सी चीज़ें जो इंग्लिश में आती है बहुत कम शब्दों में और बहुत ही टेक्निक से बता सकता हूँ, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको बस नोट कर लीजिए, हो गया जी। अब हम आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस हमने जान लिया, इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें जान लिया, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। अब हम जानते हैं सेंटेंस के टाइप्स। बताइए कितने टाइप्स हैं सेंटेंस? जब हम सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं तो मुख्य रूप से टाइप देखिए, पहला जो टाइप है वो है असर्टिव। क्या है? असर्टिव। इसके दो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव Negative. आप सभी लोग बहुत सी चीजें जानते हैं, निगेटिव, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं असर्ट, असर्टिव का मतलब देखिए, ये असर्ट सबसे बनना है, ओके, टू गिव फोर्स ऑन समथिंग, टू से समथिंग फोर्सिबली। जब किसी चीज को हम प्रेशर के साथ, जोर के साथ बोलते हैं तो ऐसा सेंटेंस जो हमारा कहलाता है असर्टिव। उसमें कोई भाव नहीं आता है किसी भी प्रकार का। ये दो प्रकार का हो सकता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हम दैनिक जीवन में जितने भी, मैं घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, ये इस तरह से आपके अफर्मेटिव और निगेटिव में आ जाएगा। अफर्मेटिव का एक दूसरा भी टाइप है पॉजिटिव, किसी को हम पॉजिटिव भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरे टाइप की बात करते हैं, दैट इज इंट्रोवर्टिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव के भी दो प्रकार हैं, एक है यस नो टाइप और दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, अब जो यस नो टाइप है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और ये क्या होगा? डब्ल्यू एस टाइप स्टार्ट विद हेल्प, डब्ल्यू एच वर्ड एंड प्लस हेल्पिंग वर्ड, ऐसे लिख लीजिए। अब समझते हैं यहां पे, ये दोनों प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जब आप दैनिक जीवन में जो किताबों में देखते हैं, जो वाक्य लिखे रहते हैं, कोई कहानी कुछ भी, वो हमेशा इसी प्रकार के दो सेंटेंस हैं, इनके दो पार्ट, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप। ये चार प्रकार के वाक्यों का ही इस्तेमाल करके हम टेंस में प्रयोग करते हैं। सिर्फ ये चार प्रकार के वाक्य टेंस में प्रयोग होते हैं जो हम टेंस जानते हैं, और इसके अलावा किताबी लैंग्वेज जो होता है लगभग 90% इसी प्रकार के सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम इंट्रोगेटिव यस नो टाइप की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप आप में से कोई भी जब ऐसे क्वेश्चन, देखिए इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेट से बना है, इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, टू इंक्वायर समथिंग, यानी जब आप कोई चीज पूछते हैं तो वहां पे हम इंट्रोगेटिव वाक्य का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। यस नो टाइप यानी जब आपके आंसर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए कि आप आंसर को किसमें जवाब दें, केवल हाँ या ना, ना, ना। तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। लेकिन जब आंसर का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं, जब आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप। कैसे? जैसे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या जवाब देंगे? यस यस। लेकिन अगर मैंने पूछा खाने में क्या क्या खाया, तो आप यस नो तो नहीं बोलेंगे, देन यू हैव टू गिव सम एक्सप्लेनेशन, ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि अगर कोई चीज हिंदी में, कोई चीज लिखा हुआ है बुक में, तो आपसे कोई पूछ तो रहा नहीं है, लिखा हुआ है तो कैसे जानेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने बताया कि एक मास्टर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब्स, जो भी आ गया। ये मास्टर स्ट्रक्चर केवल अफर्मेटिव के लिए,
ठीक है, अब जगह जगह सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। तो ये किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए। यहां आप लिख सकते हैं मास्टर स्ट्रक्चर, मास्टर स्ट्रक्चर, ये समझ लीजिए। ये जान जाएंगे तो कोई भी वाक्य किस प्रकार का सेंटेंस में आप तुरंत समझ जाएंगे। अब सपोज करिए यही सेंटेंस आपका क्या हो गया, निगेटिव, तो आप क्या करेंगे, यहां नॉट का प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं, नॉट या नेवर का। तो ये नॉट या नेवर यहां आएगा सीधे, कहां आ जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, देन मेन वर्ब एंड देन अदर, ठीक है। लेकिन यही अगर आपका जो है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप आ गया, क्या आ गया, यस नो टाइप, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बस आगे कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां है, हमने इसको उठाया और इसको कहां लिख दिया, आगे लिख दिया। अब उसके बाद क्या आया, शेष चीज अपनी जगह है, सब्जेक्ट फिर नॉट अगर है तो, देन मेन वर्ब एंड देन अदर। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब अगर यही डब्ल्यू एच टाइप है तब क्या होगा, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो सबसे पहले रहेगा। तो अब क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड यहां सबसे पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सेम ऐसे ही, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस है एक सेंटेंस, तो उसी को हम चारों प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो चलिए एक सेंटेंस में बोल रहा हूं आपको चारों में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा कि I am writing a letter, मैंने क्या बोला, I am writing a letter। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, आई सब्जेक्ट, आई एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, और लेटर अदर वर्ब में आ गया, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आप बताइए मैम, आप मैम बताइए पहले नंबर जो बैठे, सेकेंड स्ट्रक्चर बताइए, निगेटिव में क्या होगा, आप पूरा बोलिए, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में क्या हो जाएगा मैम, आप बताइए, यस नो टाइप, अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, आगे आ गया, आई एम, आई एम आई Not writing a letter. आप बताइए मैं मंगला, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच का मतलब समझ रहे, डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है, मैं आप बताइए, कुछ भी, वेन, चलो वाई, वाई, आई एम, आई, आई राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। एक दूसरा वाक्य लेते हैं मैम, आई एम नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, चलिए आई की जगह राम को लेते हैं, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये पहला वाक्य हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव बनाइए जल्दी बोलिए, राम नॉट लगाना है ना, राम हेल्पिंग वर्ब, अगर तो वाक्य लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा, राम इज राइटिंग, राम इज क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, चलिए जल्दी करके राम इज प्लेइंग क्रिकेट। हो गया, क्या बोलना पड़ेगा, तो अब आपको इसे निगेटिव में बनाना है, क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में आएंगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, गुड, एकदम आसान हो गया ना, तो लिख के थोड़ा समझना होगा। आप बताइए सर, आप बताइए इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, आई एम आई हेल्पिंग वर्ब, आपने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये है आई इज राम, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, गुड सर। आप बताइए सर अगला डब्ल्यू एस टाइप, Why? फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, Why? Why? राम इज नहीं सर, यही Why is राम? Why is राम playing? Not playing cricket. एक अगला वाक्य सर लेते हैं, I have not taken my tea. Okay? I have not taken my tea. ठीक है, मैंने अपनी चाय नहीं ली है।
ठीक है। आप बताइए सर उसको इंट्रोगेटिव प्लस नो टाइप में क्या करें? आई हैव नॉट टेकन माय टी। बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव आई। तो हैव आई नॉट टेकन माय टी। आप सर बताइए डब्ल्यू एस टाइप। अरे सर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा सर? डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाई कुछ भी ले लीजिए, व्हेन तो वाई हैव आई नॉट टेकन टी। क्लियर? तो ये आपका क्या है, आपने देख लिया सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स। उसमें दो टाइप्स की हमने बात की, और जब भी आप टेंस बनाते हैं तो इन्हीं दो टाइप्स का प्रयोग करते हैं। यही चार स्ट्रक्चर होते हैं और कोई नहीं। जो भी आपको वाक्य किताबों में लिखे मिलते हैं इसी तरह के वाक्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। दो आपने टाइप पढ़ लिया है, अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। और तीसरा टाइप यह है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, अब मैंने बताया कि जो ज्यादातर किताबी लैंग्वेज है, जो चीजें हैं वहां पे इन दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। लेकिन दैनिक बोलचाल में, क्लासरूम में, जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, जिस सेंटेंस का ज्यादा प्रयोग करते हैं, दैट इज इंपरेटिव। इसमें क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। और इस प्रकार के वाक्यों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये पहला आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये क्या होगा? ये स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो क्या होगा? स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे लिख लीजिए, वी फर्स्ट लिख देंगे, इसका मतलब फर्स्ट। आप सभी को पता है ना वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? दे आर थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, अगर ये निगेटिव है तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसी को कह लीजिए डोंट। जैसे आप देखते हैं अक्सर बोलते हैं, आप लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे टीचर, आप टीचर कैसे बोलता है? टीचर क्लास में स्टैंड अप। क्या हुआ? स्टैंड यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टैंड अप। तो ये क्या हुआ? एक ऑर्डर हुआ टीचर के द्वारा। सिट डाउन, कम हियर, कम फास्ट, गो देयर, डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, ये सब सारी चीजें क्या है? ये टीचर के द्वारा कमांड है जो हम क्लास में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप जिस लैंग्वेज के टीचर हो, चाहे जो हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रभावशाली साबित होता है और अच्छा रहता है बच्चे के लिए। तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर। फिर जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो यहाँ बच्चा ज्यादा रिक्वेस्ट करेगा, आप तो करेंगे नहीं बच्चे से, तो बच्चा करेगा आपसे रिक्वेस्ट। आप हो सकता है कि आप कोई चीज बता रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में आया, तो बच्चा क्या बोलेगा? प्लीज 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 सर रिपीट द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ वो क्या कर रहा है? आपसे कह रहा है प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप प्लीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लीज का प्रयोग करते हैं, काइंडली का प्रयोग करते हैं, काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। ओके, तो ये चीजें जो है आप दैनिक जीवन में। फिर एडवाइस की जब बात आती है तो एडवाइस में क्या होता है कि आप किसी को सलाह देते हैं। ठीक है, तो सलाह, अगर आपसे, जैसे सलाह में क्या होता है कि आप बाध्य नहीं होते हैं। आपको मैंने कोई चीज कही और आप उस चीज को यदि करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं तो वो एडवाइस है। लेकिन यदि आप करने के लिए बाध्य हैं, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, तो वो ऑर्डर हो जाए। अगर बच्चे से आपने कहा स्टैंड अप, नहीं खड़ा होगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है। लेकिन आपने बच्चों से कहा कि गरीबों की मदद करो, नहीं करेगा तो आप उसको सजा दोगे? नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज एडवाइस। ओके, हेल्प द पुअर। डॉक्टर के पास गए दवा लेने, बीमार थे, बताए अपना आप जो भी प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर ने कहा कि टेक दिस मेडिसिन 3 times a day। इस दवा को दिन में 3 बार लो। आप नहीं लिए,
तो ये क्या हुआ एडवाइस, ठीक है, यानी ऐसे चीज जहां पनिशमेंट का डर नहीं होता दैट इज एडवाइस। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, तीन प्रकार के वर्ड ये दैनिक जीवन में हम बहुत प्रयोग करते हैं। फिर हम आते हैं चौथे टाइप पर और वो क्या है एक्सक्लेमेटरी। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक। इसमें क्या होता है सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, क्या होता है सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, तुरंत भावनाएं जो है प्रकट होती हैं, जैसे आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ये ऐसी भावनाएं होती हैं जो अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और एक्सप्रेशन दे देते हैं, ठीक है। क्या आप लोग ऐसे कुछ वाक्य बता सकते हैं जहां आप तैयार नहीं होते हैं अपने आप सेंटेंस बाहर आ जाता है? अक्सर बच्चे करते हैं, हम लोग टीचर हो गए हम लोग नहीं करते हैं, अपने बराबरी में कर लेते हैं। जैसे अचानक आप मैच देख रहे हैं और आपका फेवरेट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने छक्का मार दिया, तो आप कुछ अजीब सा पहले वाक्य बोलते, कुछ आवाज करते हैं और फिर आप वाक्य बोलते हैं, जैसे हुर्रा, ओके, सचिन हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, या सचिन सचिन स्कोर्ड सिक्स, तो आप ऐसा बोलते हैं सचिन ने छक्का मार दिया, खुश होते हैं थोड़ा, वाह वाह कभी कभी आप प्रयोग करते हैं, वाह जैसे जब आश्चर्य की कोई फीलिंग होती है तो वहां आप वाह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से चोट लग गई तो ओह, आप ऐसे अपने आपे आवाज निकल जाती है, तो इस तरह से जो है हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी क्या सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, आप रेडी नहीं रहते वो अपने आप निकल जाता है, ठीक है। छी छी बोल देते हैं, कहीं से गए बदबू आ रहा, छी छी बोल दिए, चाहे कोई गलत बात बोल रहा है वहां बोल दिए, तो उस इंग्लिश में उसके लिए एक्सप्रेशन है फाइव फाइव, ठीक है। तो चूंकि हम दैनिक जीवन में इस तरह यूज नहीं करते हैं तो हमारे हैबिट में नहीं है। आपको कोई चीज बहुत आपने खाया और टेस्ट बहुत अच्छा लगा, रसगुल्ला खाया है कोई चीज, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं यम्मी, द रसगुल्ला इज वेरी स्वीट। ये चीजें हैं कुछ, तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है कुछ वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा आप अपने भाव को बताते हैं, ठीक है, और एक होता है पूरा वाक्य ही पूरे भाव को दिखाता है। जैसे आपने बोला, जैसे आप सपोज करिए कि ताजमहल देखने गए, पहली बार देखा ताजमहल, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने बोल दिया, आपने ये बोला हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज, ठीक है, या आपने कोई भी चीज ऐसी है जो आपको अच्छा लगा, तो आप वहां जो सरप्राइज की फीलिंग व्यक्त करते हैं वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है। फिर जो अगला टाइप है वो है यहाँ पे वो है आपका आफ्टर, थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ, आप बताइए।